Hello everyone. So our next topic, children, it is dipole moment. Okay, electronegativity difference in everything we have seen. है ना previous video में बहुत अच्छे से समझा हमने उसको. उसी को थोड़ा सा और आगे हम लोग लेकर जाते हैं क्योंकि हमने polarity समझी है. Poles, poles मतलब charges. मैंने बोला था कि polarity मतलब जहाँ charge separation हो. तो charge separation कैसे होते हैं? दो negative थोड़ी नहीं होते. एक positive होता है और एक negative होता है. मतलब दो टाइप के पोल्स क्रिएट होते हैं, दो टाइप के चार्जेस क्रिएट होते हैं. तो कोई सा भी पोलार मॉलिक्यूल होता है बच्चों, वहां पर क्या क्रिएट होता है? दो पोल, मतलब कि डाइपोल. ओके, डाइपोल. और डाइपोल मूवमेंट इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज़ वेल एज़ डायरेक्शन. आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, आप लोगों ने देखा होगा. तो सिंस डाइपोल मूवमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज हैविंग डायरेक्शन एज़ वेल एज़ इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड आल्सो. So now we have to see dipole moment क्या होता है, कैसे होता है. Okay, सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है उससे related questions, कि कैसे type के question पूछे जाते हैं और boards में आप उसको कैसे solve कर सकते हो. Okay, simple से question है, ऐसे ही आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, आप लोग ऐसा टेंशन ही मत लो. तो पहला इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं dipole moment और उसकी डेफिनेशन के बारे में. फिर इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डायपोल मूवमेंट की, दैट आल्सो वी हैव टू सी. डायपोल मूवमेंट, ओके, डायपोल मूवमेंट चिल्ड्रन. तो डायपोल मूवमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, है ना, म्यू. और ये होता है क्यू इंटू डी. क्यू क्या हो गया? चार्जेस. और डी क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स. ओके, क्यू क्या हो गया? चार्ज हो जाएगा, और मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, इट कैन बी एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. और नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच का डिस्टेंस होगा, दैट विल बी डी. तो यहां पर क्या कहलाएगा? क्यू इंटू डी इज योर मैग्नेटिक मूवमेंट. एंड यहां पे सपोज करिए एक एटम है ए, एक एटम है बी. ओके, दैट इज प्लस क्यू, दैट इज माइनस क्यू. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी है. तो इसी का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी कॉल्ड एज डाइपोल मूवमेंट. यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे the product of magnitude of, the product of magnitude of negative or positive, कुछ भी चलेगा दोनों में से, negative or positive charge, that is q, and the distance between the center of positive and negative charges is called dipole moment. Okay, that is your dipole moment. Okay, अगर यूनिट की बात करते हैं बच्चों, यूनिट और डायपोल मूवमेंट, क्योंकि डायपोल मूवमेंट है ना, उसको सबने सबसे पहले लिया था गिवन बाय डिवाइड, गिवन बाय डिवाइड, डी बी वाई ई, डिवाइड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो उसने अपने ही नाम पर यूनिट रख ली इसकी, डिवाइड, डीई बी वाई ई, है ना, आप लोग कैपिटल डी से बता सकते हो उसको, डिवाइड उसने यूनिट रख ली, है ना. यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो वन डिवाइड है, ओके, वन डिवाइड हो जाएगा हमारा. अगर हम लोग देखते हैं वन डिवाइड, तो वन डिवाइड होती है वन इंटू टेन स्क्वायर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ईएसयू सेंटीमीटर. ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. चार्जेस है इसीलिए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा चार्जेस के लिए, क्यू के लिए, और सेंटीमीटर है इसीलिए डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस है इसीलिए सेंटीमीटर लगेगा. तो दैट इज, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर वन डिवाइड. ओके, अगर इसी चीज को हम लोग कूलॉम में देखेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 3.335 इंटू 10^-30 कूलॉम मीटर, है ना. चार्ज आपका कूलॉम में भी आप मेजर कर सकते हो, तो कूलॉम मीटर कैन बी देयर. इसका आपको ज्यादा कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को याद रखने वाली चीज है. ओके, मेनली जो हमको देखना है डायपोल मूवमेंट का, हमको एप्लीकेशन मॉडलिंग में जो देखना है वो है डायपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. चलिए, हमको क्या देखना है? डायपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर
स्ट्रक्चर। चलिए तो डायपोल मोमेंट एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो डायपोल मोमेंट होता है ना, डायपोल मोमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास में डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते हैं क्यू इंटू डी से, तो मैग्नीट्यूड आपका कहाँ से निकल जाएगा, क्यू इंटू डी से आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। कहाँ से कहाँ तक, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायपोल मूवमेंट की। तो अब यहाँ पर हमको सिर्फ देखना है क्या, हमको कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट्स की वैल्यूज नहीं याद रखनी है। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि इसका डायपोल मूवमेंट जीरो होगा और इसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। सिर्फ ये दो चीजें अब आप लोग याद रखेंगे, ओके। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो हमको सबसे पहले देखना है बच्चों डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, ओके। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, तो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल भी हमारे दो टाइप के हो गए। एक हो जाता है नॉन पोलार। अब अगर मैं नॉन पोलार की बात करूं, एच एच सी एल सी एल बी आर बी आर, ओके। अब यहाँ पर मैं कहाँ डायरेक्शन देखने जाऊंगी, बताओ क्या डायरेक्शन होगी, क्या कोई डायरेक्शन होगी इसकी, कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं है ना, कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट आपका जीरो होता है। अगर हम लोग नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ओके। सेकेंड थिंग अगर हम लोग देखते हैं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल में पोलार मॉलिक्यूल्स, ओके। पोलार मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो पोलार मॉलिक्यूल में सपोज करो इफ इट इज एच सी एल आई विल टेक, तो एच सी एल में अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन मैंने क्या बताया, ये डेल प्लस से डेल माइनस की तरफ इसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एच से सी एल माइनस की तरफ, एच डेल प्लस से सी एल डेल माइनस की तरफ। और यहाँ पर म्यू जो है, मैंने बोला आपको याद नहीं रखना है फिलहाल, लेकिन मुझे तो लिखवाना पड़ेगा, म्यू होता है 1.07 दबाई, ओके। और सिंपल एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सपोज अगर आपके पास में एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है और एच आई है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में होगा, एच एफ में, देन एच सी एल, देन एच बी आर, देन एच आई। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यूज भी कुछ इसी तरीके से होती है ना, क्योंकि ईएन डिफरेंस क्या होता जा रहा है, यहाँ पे ये 2.1 ये तो फिक्स है, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2.1 3.5 माइनस 2.1 3 माइनस 2.1 2.5 माइनस 2.1, तो क्या हो रहा है, ईएन डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर है कि ईएन डिफरेंस अगर बढ़ता है तो ये वैल्यूज भी बढ़ती है। जैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ, वैल्यू होगी हमारी 1.78 दबाई, 1.07 दबाई, 0.79 दबाई एंड 0.38 दबाई। सो ये सारी चीजें आ जाएगी इसमें। डायटोमिक के केस में हमको दोनों देखने थे, पोलार एंड नॉन पोलार। नॉन पोलार में जीरो और पोलार में इट विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ओके। चलिए ये तो हम लोगों ने देखी क्या, डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, थर्ड एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल में देखते हैं। चलिए ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब तीन एटम्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इट इज CO2, क्योंकि अब आप स्ट्रक्चर देखकर आए हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कौन सी है sp, और स्ट्रक्चर इसका क्या है, लीनियर। तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ओके। दिस इज द मॉलिक्यूल CO2 हो जाएगा ये। मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इस यहां से यहां तक की डायरेक्शन होगी ये वाली, कार्बन से ऑक्सीजन, और इसमें क्या हो जाएगी, कार्बन से ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शन होगी, लेकिन इधर वाला वेक्टर इधर वाले वेक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल,
ये दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, ये क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये जैसे ही कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो। ओके, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पोलार मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, पोलार मॉलिक्यूल में भी डायपोल मोमेंट जीरो हो सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, लेकिन यहीं पर अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ बच्चों, वाटर, वाटर भी देखा जाए तो ऐसे ही है, ट्राइएटॉमिक ही है, बट वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, बेंड, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है, बेंड है। ओके, दिस वन, ये लोन पेयर है। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन, तो ये दोनों की डायपोल मोमेंट तो इधर जाएगी, तो रिजल्ट किधर जाएगा, इधर ही जाएगा दोनों का। और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो लोन पेयर में देखूं तो लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ है ना, लोन पेयर तो क्या है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ यहाँ पर जाएगा, यहाँ का भी रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऐसे ही जाएगा, है ना, इन दोनों का भी रिजल्टेंट, मतलब यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा ये, तो यहाँ का रिजल्टेंट भी हमारा स्ट्रेट ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या ये दोनों के रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है ना, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो डेफिनेट सी बात है एक दूसरे के रिजल्टेंट को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे जो म्यू है डेट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू हो जाती है 1.84 डिवाइड। ओके, वाटर का केस हम लोगों ने देखा, देन वी कैन हैव द केस ऑफ BeF2 या BeH2 ऑल्सो, वी कैन टेक BeH2, तो अगेन BE इन द सेंटर, 2H विल बी देयर। ओके, कहां से कहां तक होगा, ये यहां पर, ये यहां पे, दोनों अपोजिट है या नहीं है, दोनों का रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो डेफिनेटली म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिजल्टेंट को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूल देखे बच्चों, दैट आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ फ्यू मोर मॉलिक्यूल वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, काफी सारे अलग 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 हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, इसका डायपोल मोमेंट कम, लाइक दैट, कुछ कंपैरिजन देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग डायपोल मोमेंट से रिलेटेड देखने वाले हैं। ओके, अगला एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं BF3 का, BF3 हम जानते हैं इट इज हैविंग ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, BF F और F। ओके, यहाँ पर बी से एफ तक जाएगा, यहाँ पर बी से एफ तक जाएगा, और यहाँ भी बी से एफ तक जाएगा, मतलब रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट और ये डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, दोनों अपोजिट है, इसका रिजल्टेंट और इसकी जो बी एफ की डायरेक्शन है इट कैंसिल ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो, बी एफ थ्री के केस में डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज रिजल्टेंट कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। नेक्स्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन, वी कैन हैव CH4, ओके, CH H H और H। ओके, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, है ना, हाइड्रोजन तो 2.1 होती है वैल्यू, तो ये यहाँ डायरेक्शन हो जाएगी, और क्योंकि इन तीनों के रिजल्टेंट ऐसे जा रहे हैं तो इसका सॉरी इन तीनों के डायपोल मोमेंट इधर जा रहे हैं तो रिजल्टेंट इधर ही जाएगा, तो इसका डायरेक्शन और इसका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल करेगा एक दूसरे को, कैंसिल करेगा तो अगेन म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से देन वी कैन हैव CCl4, ओके, CCl CCl CL एंड CL, ओके, CCl4 वी कैन हैव। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन, हैलोजन तो क्या है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन, तो ये डायरेक्शन इधर ही जा रही है और इन तीनों का डायरेक्शन नीचे आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट नीचे आ रहा है, क्या करेगा,
कैंसिल कर देगा, अगेन दे विल कैंसिल ईच अदर और म्यू की वैल्यू यहां पर भी जीरो हो जाएंगी. ओके देन कम टू एक कंपैरिजन आता है बच्चों किस किसके बीच में, NH3 एंड NF3 के बीच में ना. वी हैव वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस NH3 और NF3. ओके आप लोग सोचना इसमें क्या होगा, वैसे मैं बता ही रही हूँ. देखो नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर एंड 3 हाइड्रोजन. ओके नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर एंड 3 फ्लोरीन. ओके अगर मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन और लोन पेयर में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर अभी मैंने बताया था आपको. ओके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ये डायरेक्शन तीनों की इधर ही जाएगी, मतलब रिजल्टेंट इधर जाएगा. क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है ना, दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर. ओके तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 3 NH बॉन्ड का रिजल्टेंट आपको मिल रहा है. तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आएगी 1.47 डिवाइड. ओके 1.47 डिवाइड इज द वैल्यू. और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन और लोन पेयर में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन नाइट्रोजन और हेलोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन. तो ये तीनों के रिजल्टेंट नीचे आएंगे, तो ये सॉरी डायरेक्शन नीचे आएगी, तो इनका रिजल्टेंट नीचे आएगा. ये बच्चा एक दूसरे को कैंसिल तो करेगा लेकिन पूरी तरीके से कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर एक बॉन्ड है नीचे 3 बॉन्ड है ना. इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है कि लोन पेयर 3 बॉन्ड को कैंसिल पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा, बट डेफिनेटली बात है कि कुछ अमाउंट इसका कैंसिल होगा. और यहाँ पर म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.24 डिवाइड. तो यहाँ पर आपसे कोई भी बच्चे को वैल्यूज नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं मुझे ये बताना है कि यहाँ पे NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है NF3 से, इसलिए मैंने आपको वैल्यूज बताई है. अदरवाइज मुझे वैल्यूज बताने की जरूरत तो नहीं है. आपको समझ में आ रहा है कि वहां पर कैंसिल नहीं हो रहा है NH3 के केस में और NF3 के केस में कैंसिल हो रहा है, इस वजह से ये वैल्यूज जो है वो डिफर कर रही है. ओके वन मोर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी, दैट इज ऑन CH, Cl3 एंड CCl4. ये भी पूछा जाता है. तो इफ यू सी CH Cl3 एंड इफ यू सी CCl4, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये इधर आएगा हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन और ये तीनों नीचे आएंगे. तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, होगी कुछ ना कुछ, कैंसिल नहीं हो रही है ना. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो. मैंने आपको यही बोला था कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए जीरो है या जीरो नहीं है. लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन क्लोरीन है कार्बन और ये तीनों भी नीचे आ रहे हैं, इसका रिजल्टेंट नीचे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो अगर पूछा जाता है कि CHCl3 और CCl4 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो दैट विल बी ऑफ CHCl3. ओके तो ये हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से डायपोल मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों. ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन, कि इस डायपोल मोमेंट से हमको और क्या पता चलता है. ये तो हमने देखे कि हाँ मॉलिक्यूल में ये कैंसिल करता है ये कैंसिल नहीं करता है, एवरीथिंग वी हैव सीन. बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, ऑल द एप्लीकेशन रिलेटेड टू डायपोल मूवमेंट व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड होप सो इन आवर लाइव क्लास ओनली. चिल्ड्रन वी ट्राई, है ना, हम लोग पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर सके, बट ड्यू टू द नेटवर्क इश्यूज ओनली, है ना, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड यू. बट यू डोंट वरी अबाउट दैट, द प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट सो अर्ली एंड यू विल बी बेनिफिटेड बाय द लाइव क्लास और मे बी after some time physical classes also. Okay, so please try to complete your videos. Okay, thank you so much. Bye everyone.